हे गाइस, अब हम चले रांची से बाबा की नगरी हरिद्वार। अब आए स्क्रीन पे हमारे एडिटर साहब। ये हमारा सुंदर सा रांची स्टेशन। जाने के कुछ हमें खाना भी लेना बोला, पता नहीं क्या खाएंगे अब ट्रेन में, लेकिन इनका क्या होता है आगे। यहाँ आगमन हुआ हमारी ट्रेन का। यहाँ बैठे हमारा एलेक्स और एक माइनस। चलिए आगे मिलते और सभी दोस्तों से। ये रही पूजा और ये रहा एक स्मार्टी व्यू चश्मे की तरफ। फाइनेंसर तो ओपी भाई। अब हमारा सबसे फेवरेट खाने का समय। देखिए इसको पूरी नहीं मिलेगी, मिली मिली पूरी। देखिए बाबू सोना चालू, सुनते हैं नहीं है लोग। चलो दिल्ली के जगह हम पहुंच गए गाजियाबाद। यहाँ भी हमारी सेल्फी चालू है एकदम मजे में। देखो उनको गर्लफ्रेंड से ज़्यादा इंतज़ार पता है किसका करना पड़ता है? ट्रेन का। वेट करने के लिए वेटिंग हॉल होता है, होटल होता है, लेकिन नहीं, हमें तो प्लेटफॉर्म में मजा आता है, सोचना ही नहीं है कुछ भी। जानवरों को देखा है आप लोगों ने? ये देखे, मैं दिखाता हूँ। देखो लावारिस जानवर एकदम पक्के वाले हंसते हुए। ये हो गया डिनर का टाइम। हमारे फाइनेंसर एडिटर साहब दोनों खाने की तैयारी में। और ये रहा लजाई के दार छाल मुड़ी, सबसे अच्छा सबसे मस्त। ये हमारी सोनल मैडम सेल्फी का चक्कर में एकदम आराम आराम से। हमारा सफर गाजियाबाद से हरिद्वार इस ट्रेन में, द मसूरी एक्सप्रेस। ये रही सुंदर वादिया। सॉरी दोस्तों। ये हम पहुंच गए बाबा की नगरी हरिद्वार, लेकिन उसमें तो ये हम यहाँ नहीं उतरेंगे। हम उतरेंगे राय वाला। हमारे फाइनेंसर के साथ हमारे अभय भैया आईफोन यूजर। फाइनली अब हम पहुंचे अपने बेस कैंप पर। आई महिला जनार्दन, हमारा फेवरेट नाश्ते का टाइम। क्या चावल क्या दाल। ये आए हमारे रांची के राइडर नाक पड़ा। ये हमारे द लेजेंड पासी भैया। पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, ना ही हम नाच रहे हैं, ये एक्शन सॉन्ग है, ठीक है? आइए मिलिए हमारे पूरे ग्रुप से। हम निकल पड़े हरिद्वार बस में एक टोपी के साथ और अपना स्कार्फ लेकर, एकदम हरा हरा एकदम खुशी चेहरे पे। ये जो खुशी हम सबके चेहरे पे दिख रही है वो एग्जाम पास होने की नहीं, हरिद्वार पहुंचने की है। चले आपको घुमाते हैं हरिद्वार, उससे पहले एक बार महादेव का नारा लिया जाए। ये रहा हरिद्वार का गंगा जी। ये रही मोतियां माला और ये रहा हरिद्वार का प्रसाद। ये रहा हाथ में बांधने के लिए रंग बिरंगे धागे, ये प्यारी प्यारी मूर्तियाँ और ये रहे औद्योगिक शिव जी। यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। दोस्तों इस पवित्र नदी में नहाने से हमारे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये है सिंघम। चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ इस सुंदर सी हर की पौरी घाट के बारे में। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदे गिरी थी और इसे ब्राह्मण कुंड माना जाता है। और यहाँ लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, स्नान करते हैं और गंगा जल अपने घर ले जाते हैं। अपने जीवन में आपको एक बार जरूर आना चाहिए।
और ये रहा दोस्तों द बो एंड एरो ब्रिज। माफ करना दोस्तों, मुझे इसका नाम हिंदी में नहीं पता, अगर आपको पता तो जरूर कमेंट करना। और ये रही हरिद्वार की संध्या आरती। भीड़ देख रहे हैं आप सब, इसी का तो मजा है दोस्तों। अब हरिद्वार आए और आपने संध्या आरती मिस कर दी तो दोस्तों आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलिए अब समय हो गया भव्य आरती का, और मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, और अगला पार्ट जल्दी आएगा। टिल देन सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द कैप्चर स्टूडियो। टिल देन गुड बाय।